हेलो चिल्ड्रन, आई एम रितु हारा फ्रॉम विद्याश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारा रोड कोटा। आई एम सोशल साइंस फैकल्टी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी चैप्टर 1 ऑफ 9th क्लास, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। दिस चैप्टर डील्स विद इंडियाज पोजिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, इंडिया की साइज क्या है, और इसके अलावा इसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सी वाटर बॉडीज हैं, क्या इसकी पिक्युलैरिटीज हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं इसके लिए। सो दिस चैप्टर डील्स विद अबाउट दैट रीजन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वर्ल्ड जो है हमारा एक स्फेरिकल शेप में है, बॉल की तरह है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, दिस इज इक्वेटर, जो सेंट्रल लाइन इक्वेटर है, दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ये होता है आपका 0 डिग्री। लैटिट्यूड होती है आपकी लीविंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो है वो आपके लैटिट्यूड्स हैं, और लॉन्गिट्यूड्स आपकी जो लॉन्ग लाइन्स हैं, स्टैंडिंग लाइन्स आपकी हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे मेन जो आपका लैटिट्यूड है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसके अलावा हम देखते हैं, अगर आपको किसी भी कंट्री का ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंड पता है तो आप उसको ईजिली लोकेट कर सकते हैं। एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम पिछले 50 ईयर्स में हम देखें, 5 डेकेड्स में देखें, तो वी हैव डेवलप्ड इन मल्टी फेसेटेड डायरेक्शंस, यानी टेक्नोलॉजी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, स्पेस साइंस हो गई, हर जगह हमारा डेवलपमेंट जो है रिमार्केबल है, प्रोग्रेस हमारी। एंड दिस वे वी कैन से दैट वी हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा सिग्निफिकेंट रोल है। अब हम देखते हैं लोकेशन इंडिया की, तो इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री एंड लाइन एंटायरली इन नदर हेमिस्फीयर, ये आपका है नदर हेमिस्फीयर और ये आपका है सदर हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है कंप्लीटली नॉर्थ साइड पर है, उसके अलावा अब हम इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये आपका है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है कंप्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, क्योंकि एशिया आपका नॉर्थ में है और हम लोग जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर आते हैं। तो हम देखते हैं लैटिट्यूड एक्सटेंड इंडिया का कितना है, वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी आप इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाएं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो यहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी यहाँ से यहाँ तक इंडिया की लेंथ है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था, इस तरह से सारी लाइन्स आपकी जाएंगी। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट साइड पर हम जा रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं और हमारा कंप्लीट होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, मान लेते हैं ये इंडिया है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कंप्लीट किया था हमने, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंडिया के बीच में से, सेंटर में से निकलता है। उसके अलावा इंडिया की जो मेन बॉडी है इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और हैं, दो आइलैंड हमारे हैं, वन इज लक्षद्वीप जो आपके अरेबियन सी में है, एंड अदर इज अंडमान एंड निकोबार जो आपके बे ऑफ बंगाल में है, और इन दोनों वाटर बॉडीज को जब हम बना लेते हैं नीचे की तरफ तब बनता है हमारा इंडियन ओशन, ये है आपका अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल, और ये दोनों मिलकर बनती है आपकी इंडियन ओशन।
नाम दिया गया है क्योंकि ये ऐसा ओशन है जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो इंडिया से टच करती है, इसीलिए अगर इसको इंडियन ओशन नाम दिया गया है तो दिस नेम जस्टिफाइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली कंडीशन नहीं है। अब इसके अलावा एक चीज़ जो हमें और याद रखनी है कि ये इंडिया की मेनलैंड है, उसके बाद आपके जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ इस तरह से इसको चेक करेंगे तो हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसका एक पॉइंट जो है वो इंडिया के मेनलैंड से नीचे की तरफ आता है। यानी अगर हम इंडिया का लास्ट पॉइंट पूछें तो वो है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में सबसे नीचे वाला आइलैंड है इंडिया इंदिरा पॉइंट। बट 2004 में एक सुनामी आया था, उसकी वजह से ये आइलैंड जो था वो पानी में सबमर्ज हो गया था। बट आफ्टर सम ईयर्स आई थिंक 2010 अराउंड वो वापस अराइज हो गया था। तो 2004 में इसके डूबने के बाद इंडिया का लास्ट पॉइंट जो था वो था कन्याकुमारी, लेकिन अभी वापस आपसे पूछा जाएगा तो आपका लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ओके, अब हम साइज पे चलते हैं। अगर इंडिया हम पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड मास है उसका साइज देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो लैंड ऑक्यूपाई करती है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड का टोटल 2.4% है। वर्ल्ड आपका वर्ल्ड लैंड 100%, इसमें से हमारे पास जो है वो है 2.4%। और अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल लैंड मास है।